भगत का इच्छा भगवत गीता। जय जगन्नाथ ऐसा नहीं, जय जगन्नाथ ऐसा बोल के जाते हैं, और ये जो जय जगन्नाथ बोलते हैं ना वो दिल से बोलते हैं जय जगन्नाथ बोल के। भगवान जी के साथ हैं, भगवान जी के पास हैं, भगवान के साथ जीना है, भगवान जी के साथ मरना है। और मेरा प्राइसिंग बहुत ही रिजनेबल है, 50 रुपीज़। मैं ये दिल से बोल रहा हूँ, हर किसी के सामने बोलने के लिए भी ताकत है मेरा। हमारा जो भी चीज़ था ना वो सब प्रसादी हो गया। इतना हीटिंग है फिर भी हीटिंग नहीं लग रहा है, ये क्यों है? क्योंकि जगन्नाथ जी का ब्लेसिंग लेके हम लोग यहाँ खड़े हैं। कोई चीज़ का डर नहीं, कुछ नहीं, हम जगन्नाथ जी का कृपा लेके ही खड़े हैं इधर। मेरा नाम पिंटू है, मैं आप सबको जगन्नाथ पराठा में वेलकम कराता हूँ। मैं ऐसा एक स्ट्रीट फूड लेके आया हूँ सूरत में, बहुत ही यूनिक, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही वंडरफुल प्लेसमेंट के साथ लेके आया हूँ। और आप यकीन नहीं करेंगे, मैं ये स्ट्रीट फूड में कम से कम 100 से 150 वेराइटीज़ ऑफ पराठास में मेकिंग करके आपको दे सकता हूँ। आप हर एक जगह खाए होंगे, हर एक जगह मिला होगा आपको, लेकिन हमारे जैसा टेस्ट और क्वालिटी और प्राइस मेंटेन कोई नहीं किया होगा आज तक। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही क्वालिटी और विदाउट हाइजेनिक फूड के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे पराठा बना रहा हूँ। एक पराठा 50 रुपये से स्टार्टिंग, 50 रुपीज़ से स्टार्टिंग मेरा पराठा का प्राइस है। मैं आपको एक आज मेरा बेहतरीन से बेहतरीन पराठा, उसका नाम है गन फायर चीज़ पिज़्ज़ा पराठा, जबकि कोई भी मींस कोई बनाया नहीं होगा आई थिंक, मेरे ख्याल से। मैं यहाँ पर पराठा बनाऊँगा, हाथ से बनाऊँगा, और पराठा सेकूँगा भी हाथ से, और आपको फायर गन फायर करके भी दिखाऊँगा आपको। और मैं और एक बहुत ही अहम बात बोलूँ, मोदी जी का सपना था डिजिटल करने का, हम यहाँ पे डिजिटल के हिसाब से ऑर्डर भी डिजिटल लेते हैं, मेकिंग भी डिजिटल करते हैं, सब कुछ डिजिटल के अकॉर्डिंग हो रहा है यहाँ पे। भगवान की दया इतना है कि डिजिटल के थ्रू अपना कारोबार भी डिजिटल के अकॉर्डिंग ही होता है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। हम लोग अभी बहुत ही बढ़िया स्ट्रीट मेकिंग गन फायर चीज़ पिज़्ज़ा पराठा बनाते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिए, हम लोग इसमें आपके सामने अमूल चीज़ का यूज़ करते हैं। ठीक है, डेली यहाँ पे फ्रेश एंड नीट एंड क्लीन के हिसाब से बनता है। और आप यकीन नहीं करेंगे, हम यहाँ पे अभी ये अमूल चीज़ आपके सामने निकाल रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं आपके सामने, आप भी आएंगे आपके सामने भी हम लोग मेकिंग करेंगे, इसमें कोई नहीं। ये ओपन किचन है, फुल्ली ओपन किचन है, आप जो सोचेंगे उसी हिसाब से बनेंगे। आपका मेकिंग जैसा होगा हम आपके हिसाब से मेकिंग करके देंगे। हम लोग अभी पराठा बनाने जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज़ याद रखिए, हर एक कस्टमर आते हैं एक छोटी सी बात बोलते हैं कि जी यहाँ पर जो पराठा बनता है आप बहुत बढ़िया बनाते हो, लेकिन हम घर पे नहीं बना पाते हैं। मैंने उनको एक ही चीज़ बोला, आप यकीन नहीं करेंगे, ये दिल से बोला, मैं ये दिल से बोल रहा हूँ, हर किसी के सामने बोलने के लिए भी ताकत है मेरा। क्योंकि ये चीज़ मैं ये बोल इसलिए बोला कि देखो सर, ये चीज़ हम जगन्नाथ जी के कृपा से बना रहे हैं, जगन्नाथ जी को लेके बना रहे हैं हम लोग। जब भी जगन्नाथ जी का हम लोग यहाँ पर जब भी पराठा बनाते हैं, जगन्नाथ जी के भोग लगा के ही बनाते हैं। आप भी आइए, कभी भी आइए यहाँ पे, जय जगन्नाथ ऐसा बोलिए, आपको गिफ्ट्स मिलेगा, भगवत गीता भी मिलेगा। मीन्स आपको ये यकीन कीजिए, भगवत का इच्छा भगवत गीता, इस सोच के चलिए। ठीक है, अभी जब भी आएंगे जय जगन्नाथ ऐसा बोलने से नहीं चलेगा, आप ऐसा बोलेंगे जय जगन्नाथ, वो भी दिल से। ये ऐसा बोलेंगे ना दिल से निकलेगा, क्योंकि जगन्नाथ जी एक छोटा चीज़ नहीं है, बहुत बड़े चीज़ है। लोग बोलते हैं कि यहाँ पर पराठा बहुत ही अच्छा रहता है, और हम हमारा घर पे बनाते तो क्यों अच्छा नहीं लगता। मैं उनको एक ही चीज़ बोला, सर हम लोग जब आते हैं ना यहाँ पे स्टॉल लगाने के लिए, तब पहला पराठा भगवान जी को प्रसाद के रूप में चढ़ा लेते हैं। ठीक है, भगवान जी को अर्पण कर लेते हैं। अर्पण करने के बाद वो क्या, हमारा जो भी चीज़ था ना वो सब प्रसाद ही हो गया। ठीक है, तो प्रसाद होने के बाद वो टेस्ट तो बहुत ही बढ़ जाएगा। बढ़ने के बाद लोग क्या बोलते हैं, लोगों को इच्छा होता है कि यार इतना अच्छा बनता है, और बहुत बढ़िया बना हुआ है पराठा, और बहुत टेस्टी भी हो रहा है। मैंने इनको एक ही चीज़ बोला, हम भगवान जी के साथ हैं, भगवान जी के पास हैं, भगवान के साथ जीना है, भगवान जी के साथ मरना है। अभी हम लोग हैं ना इसमें अमूल चीज़ और थोड़ा डाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद अमूल मोजरेला चीज़ भी डाल देते हैं हम। ये मोजरेला चीज़ डालने के बाद पराठा में ऐसा मेकिंग आ जाएगा ना, आप पिज़्ज़ा भी भूल जाएंगे, ये मेरे गारंटी लेता हूँ। यह धनिया स्प्रिंग ने सिंपल कुछ नहीं डाला, हम लोग कुछ भी नहीं डाले, आप देख रहे हैं, आप कुछ नहीं। ये हमारा थोड़ा सा पेस्ट डाल दिए, ठीक है, ये चटनी डाल दिए, सहजन चटनी, हल्का सा नमक, क्योंकि नमक
चीज़ में थोड़ा नमक का क्वांटिटी रहता है, इसके लिए हल्का सा नमक डालना है। ये वेज मसाला डाल दिए, ये मिर्ची पाउडर डाल दिए, ये देखिए चाट मसाला भी थोड़ा सा डाल दिए। अभी हम लोग इसको मेकिंग करेंगे। अभी हम लोग ये है ना, ये मेरा एक सपना ही था, मेरा प्रोफेशनली जो है ना, प्रोफेशनल से निकल के ये पार्ट टाइम किया था, पार्ट टाइम अभी फुल टाइम होने में कोई देरी नहीं लगता है। और आप यकीन नहीं करेंगे, ये मैं सुबह 10 बजे से ऑफिस जाने के बाद यहाँ पे 7 बजे पहुँचता हूँ, 7 बजे पहुँचने के बाद मैं घर पे 1 बजे पहुँचता हूँ यहाँ से बंद करके, ठीक है। लेकिन मेरा टाइम स्पेंड इतना अच्छा से होता है और इतना सूटेबल होता है ना, आप यकीन नहीं करें। 10 लोग से मिलना, 10 लोग से बात करना, 10 लोग को समझाना, 10 लोग के साथ बातें चीते करना, वो मेरे को एक ऐसा फील होता है कि नहीं, मैं भगवान जी की कृपा से मैं बहुत ही बढ़िया चीज़ कर रहा हूँ, मेरे को ऐसा फील होता है। बाकी मैं नहीं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं। ये हो गया चीज़ पिज्ज़ा पराठा स्टार्टिंग, अभी हम लोग फायर देंगे। एक चीज़ छोटी सी चीज़ है, सोनार के पास जाएंगे ना, सोनार सोना कैसे बनता है, दागिना कैसे बनता है, वो चीज़ नहीं बताएंगे, लेकिन हम यकीन से बोलेंगे हम क्या मेकिंग कर रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, सब कुछ आपको बताएंगे। क्योंकि सीधी सी बात, ओपन किचन, रेस्टोरेंट वेस्टोरेंट का रेस्टोरेंट में भी जाएंगे तो भी नहीं दिखाएंगे, लेकिन हम यहाँ पे ओपन किचन के हिसाब से, ओपन किचन के हिसाब से पराठा बनाते हैं। और आपको लगे नहीं, यहाँ पर खाना चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये मैं जो बोल रहा हूँ ना, सच और एक भी % झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अभी पराठा मेकिंग हो गया है, अभी हम लोग तावा में करेंगे। देखो जगन्नाथ जी की कृपा से हम लोग हाथ से भी बना सकते हैं पराठा, तावा के ऊपर हाथ से घुमाने का। देखो ये बहुत ही स्मूथ के साथ स्मूथली हम लोग घुमाते हैं, इतना हीटिंग है बट हीटिंग नहीं लग रहा है हमें, इतना हीटिंग है फिर भी हीटिंग नहीं लग रहा है। ये क्यों है? क्योंकि जगन्नाथ जी का ब्लेसिंग लेके हम लोग यहाँ खड़े हैं, कोई चीज़ का डर नहीं, कुछ नहीं, हम जगन्नाथ जी का कृपा लेके ही खड़े हैं इधर। पराठा हम लोग यहाँ पर खिलाते हैं और A1 पराठा खिलाते हैं। ये सूरत का मैं दावा देके बोल रहा हूँ, सूरत का A1 पराठा खिलाने का दावा मैं करता रहता हूँ। लेकिन क्यों करता रहा हूँ? क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे पराठा में क्वालिटी है और क्वालिटी आपके सामने मेंटेन किया हुआ है। ऐसा नहीं मेंटेन मैं अलग करता हूँ और आपको क्वालिटी अलग दिखा रहा हूँ। ये देखिए बहुत ही स्मूथ और मोजरीला है। अभी पराठा में क्या है कि सबसे बेस्ट एंड बेस्ट पराठा मैं आपको खिलाने वाला हूँ। और पराठा प्राइसिंग मेरा एक सिंपल पराठा, मैंने स्टार्टिंग पराठा 50 रुपये से स्टार्टिंग है लगभग। आप मेनू के साथ देख, मेनू के मेनू भी देख सकते हैं। ये प्राइस आज से नहीं, काफ़ी टाइम से यही है। स्पेशल पराठा में राजा रानी हो गया, पहाड़ी हो गया, क्रंची क्रीमी हो गया, ये सब पराठा मेरा 200 रुपया ही है। आलू पराठा हो गया 50 रुपीज़। मैं आपको मेनू ही प्रोवाइड टोटली वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा, आप देखिए। मैं आपको गलत नहीं बोल रहा हूँ, मेरा प्राइसिंग के साथ किसी का प्राइसिंग कंपैरिजन कर ही नहीं सकते कोई भी, ठीक है। मेरा प्राइसिंग बहुत ही रिजनेबल है, बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही क्वालिटी वाला पराठा हम लोग मेकआउट करते हैं। फ्रेंड्स अभी हम लोग पराठा तो मेकिंग कर लिए हैं ऑयल में और हाथों से फ्राई कर लिए, क्योंकि ब्लेसिंग हमारे पास, हमारे ऊपर बहुत है जगन्नाथ जी का। और हम लोग इसको कट कर रहे हैं, अभी इसके ऊपर गार्निश भी करेंगे, ठीक है। अभी गार्निश भी कर लेंगे इसके ऊपर। अभी स्टिल नाउ हम लोग अभी अमूल चीज़ का ग्रीट करेंगे, नहीं पहले थोड़ा सा ये मोजरीला चीज़ डाल देंगे। मोजरीला चीज़ तो डायमंड का फेस सेफ लग रहा है, क्वालिटी में हम कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। आपके सामने देख रहे हैं ये मोजरीला चीज़ और अमूल चीज़ का फ्लेवर हम लोग डाल रहे हैं, लेकिन हम नहीं करते हैं कि कितना पैसा में क्या जा रहा है क्या नहीं, जो है मेंटेन करना है तो मेंटेन करना है ताकि कस्टमर का चाहिदा बढ़े। अभी हम लोग गन फायर मारेंगे इसमें, खुशबू भी भैया खड़े हैं देख रहे हैं, खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, ज़बरदस्त भी आ रहा है। सूरत में हम लोग फर्स्ट टाइम गन फायर चीज़ पिज़्ज़ा पराठा लाए हैं, कुछ नया इनोवेटिव कंसेप्ट लेके आना था। पराठा तो हर कोई मेकिंग करता है, वेजिटेबल ये वो डाल के करते हैं, बट हम लोग सोचे कि नहीं कुछ अलग करेंगे जो कि पिज़्ज़ा को कंपैरिजन करे और पिज़्ज़ा को हर्ट पहुँचाए। पिज़्ज़ा पराठा अभी कम्प्लीटली रेडी हो गया, अभी हम लोग सर्व करेंगे।
और एक चीज़ फ्रेंड्स आपको यकीन के साथ आपको बता देते हैं, ये पराठा के साथ ये कम्प्लीमेंट्री सब्जेक्ट जो है ना वो कम्प्लीटली अनलिमिटेड है। ये पराठा के साथ दही चटनी और केचप के साथ सैजन चटनी भी अनलिमिटेड मिलेगा आपको, कोई इसका एक्स्ट्रा चार्जेस है नहीं, आज नहीं कल नहीं कभी भी नहीं रहेगा, आप खाली देखते जाइए। ये देखिए ग्रिल्स, ये पराठा ही ऐसा है कि बहुत ही बढ़िया। देखो ग्रिल्स, पिज्ज़ा भी भूल जाएंगे आप, पराठा खाएंगे कैसे। अभी देखिए पराठा है ना, ये पराठा का एक बाइट लिए, ठीक है एक बाइट हम लोग लेते हैं। एक बाइट लेने के बाद ये हो गया पराठा, इसके साथ थोड़ा हल्का सा कर्ड लेंगे, ठीक है उसके बाद हल्का सा ग्रीन चटनी और उसके बाद हल्का सा सैजन, जो मीडियम स्पाइसी खाते हैं ना उनके लिए बहुत ही बढ़िया सैजन चटनी, तो मीन्स आप चांद में चांद चांद लग जाए वैसे। और इसके बाद खाने से बहुत बढ़िया लगेगा, और खाइए और खिलाइए, आप भी खाइए आपके फैमिली को भी खिलाइए। आप यकीन से बोल रहा हूँ मैं, आप ये खाने के बाद आप दिल से बोलेंगे जो बोला था ये बंदा सही बोला था, और दिल से ही बोला था। मेरा लोकेशन है जय जगन्नाथ पराठा, यूनिवर्सिटी रोड नियर सेल पेट्रोल पम्प, एग्जैक्ट पेट्रोल पम्प के पास खड़े हैं, आज से नहीं 4 साल से खड़े हुए हैं इधर से इधर हम लोग। और हम लोग स्ट्रीट फूड बेस्ट एंड बेस्ट क्वालिटी मेकिंग और क्वालिटी प्रोवाइड करने में माहिर हैं, और आप यकीन कीजिए बहुत फैमिली अभी कस्टमर हमारा बन चुके हैं, और वो लोग का सेटिस्फेक्शन भगवान का आशीर्वाद, वो दोनों हम लेके चल रहे और बहुत ही अच्छा चल रहे और बहुत ही बढ़िया चल रहे हैं। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, धन्यवाद।